मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, जिस वजह से मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर इस तरह की कमी को आप महसूस करते हो तो यह कमी आपकी दूर हो जाएगी, इस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि केवल भाषा की वजह से, आपको लैंग्वेज के वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से यह सोच गलत है। आपको इस तरह से नहीं सोचना। ये माना कि अंग्रेजी बहुत ज़रूरी है, मैं मानता हूँ कि अंग्रेजी जो है इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन कभी भी आपकी सफलता में अंग्रेजी बाधक नहीं बन सकती। अगर आप वास्तव में, ठीक है, मैं मानता हूँ मैं हिंदी भाषी हूँ, मैं मानता हूँ मुझे बांग्ला आता है, मैं मानता हूँ कि मुझे तमिल आता है, मलयालम आता है, लेकिन क्या अगर मुझे अंग्रेजी नहीं आता तो मेरे हुनर को कम किया जा सकता है? क्या मुझे इंग्लिश नहीं आता तो मेरा, मेरे अंदर जो टैलेंट है, मेरे अंदर जो हुनर है, क्या आप उसे छीन पाएंगे? कभी नहीं कर पाएंगे। एक भाषा कभी उस चीज़ को छीन नहीं पाएगी। हाँ, ये ज़रूर होगा कि मैं अपनी बात आपको समझा ना पाऊँ, यह ज़रूर होगा कि मैं आपकी बात को समझ ना पाऊँ, लेकिन अगर हमने कोशिश किया तो मैं आपकी बात को भी समझूंगा और आप तक भी पहुँचूँगा और आपके देश तक भी पहुँचूँगा। जी हाँ, आज ये वीडियो उन तमाम लोगों के लिए है जो लोग अंग्रेजी के वजह से, इंग्लिश के वजह से कहीं ना कहीं अपने आप को एक तरह से, मैं कह लूँ कि थोड़ा सा निराशाजनक भाव उनके अंदर आ जाता है और अपने आप को सोचते हैं कि शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल गलत है। अगर इस तरह के शिकार आप हो रहे हैं तो आज ही इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि जितना आप इस चीज़ को सोचेंगे उतना नेगेटिविटी आपके अंदर आएगी। आज से शुरुआत करिए, मेरी बात मानिए और आज से एक शुरुआत करिए। चलो ठीक है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं आएगी, लेकिन मुझे सर्वाइवल इंग्लिश सीखना है। सर्वाइवल इंग्लिश क्या कर, चलो सर्वाइवल भी नहीं आता, चलो थोड़ा सा इंग्लिश तो हम इतना सीख ही लें, इतना जान लें, अपना काम करते रहेंगे और रोज़ कुछ न कुछ हम सीखते रहेंगे, रोज़ कुछ पॉइंट सीखेंगे। जैसे हम बेसिक की ही बात कर लेते हैं, कुछ सामान्य भाषा की ही बात कर लेते हैं, जिससे कि मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा सकूं, आपको समझा सकूं। इसके लिए ज़रूरी क्या है? इसके लिए न तो आपको टेंस पढ़ने की ज़रूरत है, न तो आपको ग्रामर पढ़ने की ज़रूरत है, न तो आपको ये कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि बगैर ग्रामर पढ़े हुए, बगैर टेंस पढ़े हुए, बगैर इन तमाम चीज़ों को सीखे हुए भी आप अंग्रेजी अच्छे से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। इसका जवाब भी होगा, बहुत से लोगों का मन में होगा कि सर आप क्या बोल रहे हैं, बगैर ग्रामर के आप इंग्लिश बोलने की बात कर रहे हैं, क्या यह संभव है? जी हाँ, मैं आपका जवाब आप ही के अकॉर्डिंग दे रहा हूँ कि जी हाँ, अगर आपको ये लगता है कि बगैर ग्रामर का अंग्रेजी संभव नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ बगैर ग्रामर का दुनिया के सारे लैंग्वेज संभव हैं, दुनिया के सारे लैंग्वेज संभव हैं। मेरे प्रश्न का एक जवाब आप दीजिए, क्योंकि प्रश्न आपने किया है कि बगैर ग्रामर का, बगैर टेंस का हम इंग्लिश कैसे बोल पाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आप ज़रा बताइए कि जब आप जहाँ भी निवास करते हों, आप इंडिया के हैं, घर कहीं के भी हों, आपके घर में एक छोटा बच्चा तो होगा, एक छोटा बच्चा तो होगा जो अभी अभी पैदा हुआ है, 2 महीने का होगा, 4 महीने का होगा, 6 महीने का होगा। ज़रा सोचिए कि 2 से 4 महीना 6 महीने तक जाते जाते बच्चा क्या बोलने लगता है, पापा, मामा, डैडी, दादा, दादी, मम्मी, ये सब बोलने लगता है। वो मांगने भी लगता है, अपनी चीज़ों को मांगने लगता है, मुझे पानी दो, मुझे वाटर दो, मुझे ब्रेड दो, मुझे फ्रूट दो, वो मांगने लगता है, मुझे मिल्क चाहिए, मुझे दूध चाहिए। ज़रा आप बताइए वह किस स्कूल में गया था और कौन सा ग्रामर आपने उसे पढ़ा दिया था। अगर इस प्रश्न का आप जवाब दे देंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, आपकी पहलू, हर एक पॉइंट से, हर एक पहलू से आप इस चीज़ को जान पाएंगे और समझ पाएंगे। मैंने क्या कहा कि ग्रामर की ज़रूरत, किसी भी भाषा को ग्रामर हमने भी सीखा है, हमने भी बचपन में हिंदी तो सीखा, हमने बचपन में हिंदी सीखा, हमने बचपन में बांग्ला सीखा और बचपन में पंजाबी सीखा। तो कहाँ सीखा, आप ज़रा सोचिए, अगर आप पंजाबी जानते हैं तो क्या पंजाबी सीखने के लिए किस स्कूल में गए थे? अगर आप बांग्ला जानते हैं तो बांग्ला सीखने के लिए आप किस स्कूल में गए थे? अगर आप तमिल जानते हैं, तमिल सीखने के लिए कौन सी ग्रामर पढ़ा था? आप मलयालम जानते हैं तो मलयालम बोलने के लिए आप कौन से ग्रामर को पढ़ाई किया था, आपने किस स्कूल में ज्वाइन किया था और फिर आप बोलना शुरू किए? तो सबका जवाब होगा, मैं किसी भी स्कूल में नहीं गया, मैं कोई भी ग्रामर नहीं पढ़ा, ना तो हिंदी का ग्रामर पढ़ा, ना मलयालम का पढ़ा, ना बांग्ला का पढ़ा, ना पंजाबी का पढ़ा, ना उड़िया का पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा, और फिर भी आज मैं बोलता हूँ, अपनी बात आप तक पहुँचाता हूँ।
अब ये संभव कैसे है सर? तो हमें क्या करना है, हमें सीखना है, सुन सुन के सीखना है। क्या करना है, यही मेन बात है। आप समझिए, आपको सुनना है, लिसन, आपको सुनिए, ऑब्जर्व करिए, देखिए, देन स्पीक, उसके बाद बोलिए। आप दुनिया की हर भाषा सीख सकते हैं, एक नहीं कई भाषा आप सीख सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं वीकली ज़रूर आपके साथ आता हूं और आपको कुछ बताने की और कोशिश करता हूं। इंग्लिश हम खेल खेल में सीखेंगे और आप भी सीखेंगे, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा लेकिन आप सीख पाएंगे। अगर वादा करिए कि हाँ हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, इसको सीखेंगे, तो वीकली आप आइए, मेरे साथ जुड़िए, और जुड़ने के बाद उन एक बात को, आज मैं सिर्फ एक ही बात सीखूंगा, मैं सिर्फ एक बात सीखूंगा, उससे ज़्यादा नहीं, दूसरे के तो नाम ही मत लो। दूसरा, बस कम से कम जो चीज़ मैंने आज लर्न किया, सीख लिया, पूरी लाइफ में वो नहीं भूलेगा और कभी मुझे प्रॉब्लम भी नहीं होगा। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, जो आपका जो इंग्लिश का डर था वो समाप्त हो गया। आप इंग्लिश यूं बोलेंगे, अब समझेंगे भी, बोलेंगे भी, और मैं दावा करता हूं, मैं गारंटी देता हूं कि पूरी दुनिया से आप कम्युनिकेट करेंगे, पूरी दुनिया से कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। लेकिन जितनी भी बातें मैंने किया आपसे कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जाते जाते मैं एक बात और बता देता हूँ, कभी मैं आपको ग्रामर नहीं पढ़ाऊँगा, कभी भी मैं आपको टेंस नहीं पढ़ाऊँगा, कभी भी आपको इसकी कोई भी चीज़ नहीं। हम जो बात करेंगे वह कैसे बात होता है, और वो तरीका, जो डायनेमिक मॉडल, जिस तरीके से मिलिट्री को तैयार किया जाता है, जिस तरीके से आर्मी को कम्युनिकेट करना सिखाया जाता है, उन तरीकों से हम इस चीज़ को सीखेंगे और जानेंगे। उम्मीद है डियर स्टूडेंट, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद होगी। इस वीडियो को आप उनको ज़रूर बताएं, उन तक ज़रूर पहुंचाएं जो इस तरह के शिकार हैं और इस तरह की सोच रखते हैं। हमें इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए वी सी ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।